तुम लोग को कोई तो भी नया जॉब ढूंढने को पड़ेगा। इस बर्गर हट ने तो हमें ही हटा दिया, अब क्या करें? अब क्या करने का, हम लोग भी भागेंगे नौकरी के पीछे, और क्या। अरे मेरी गुलाबों कितनी प्यासी लग रही है आज, तू फिकर मत कर, तुझे प्यासा नहीं रखेंगे। अरे मेरी कजरी, तू मुंह लटकाए क्यों बैठी है? ये तेरा बबलू है ना, बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। अरे वो बबलू, तू तो पता पहले मुंह मीठा कर रहे, आरे मीठा लेकर कहाँ कहाँ गए? अब आप पूछ क्या हुआ? अपुनी पोड़े पोड़े पो। Welcome to the proud family of the Mirage Group of Hotels, Mr. Benny. This is your appointment letter. We are delighted to have you as the bellboy. नौकरी बोवी फाइव स्टार होटल में क्या बात है? अरे वो दालमे अंकल था, अरे ईरानी होटल बताता ना दालमे अंकल, उसको रोज में मस्का पॉलिश किया, थोड़ा नौकरी का गुजारिश किया, उसने जाके सिफारिश किया, और ये बेनी को तो अंग्रेजी तो आता ही है, तो थोड़ा आता ना, थोड़ा आता, छोटा मोटा। हाउ आर यू ऑन दैट मामला मिटो के रे पक्को। अच्छा तू गया था नौकरी ढूंढने, क्या हुआ उसका बता? अब पता रे, नौकरी तो मुझे भी मिल गई है। गंगरो लेडीज बार, आज से यहाँ तेरी वेटर की नौकरी पक्की। जी जी जी, चल जा, कल से टाइम पर आ जा। हम समय से आधा घंटा पहले आ जाएंगे सर। क्यों आधा घंटा पहले? हमारी बार की शमियों पे लाइन मारेगा क्या? नहीं, 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 सर। बबलू, अगर तूने यहाँ किसी आइटम के साथ अपना पपलू फिट किया ना, तो पहले मैं तेरी टांग काटूंगा, फिर तेरी जान, और फिर तेरी क्या? हाँ, वो भी। अरे वो क्या नहीं रे, तू लेडीज बार में काम करेगा, वेरी इंडिसेंट प्लेस यार। अरे हमें कहाँ मिलेगा काम, और मैं तो तेरी तरह टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं बोल पाता हूँ। अरे वो तेरा वो फैमिली है ना उधर दरभंगा, दरभंगा में, जिला में, वो फैमिली को मालूम पड़ा तू लेडीज बार में काम करता है, वो शर्म के मारे मर जाएगा रे। अरे लेकिन कोई काम नहीं किया तो वो लोग भूख से मर जाएंगे, बात करते हो। माँ बाप का नाम करप करते, यू माइंड इट, आई एम टेलिंग यू। अरे तुम माँ बाप को भूखा मार दे। Good day, sir. I see. What are you saying, sir? अबे चांदनी चौक टू चाइना, कभी देखा नहीं आई ना? कितना देखेगा यार? लाइफ में पहली बार इतना अच्छा कपड़ा पहना रॉनी। अच्छा क्या है, यूनिफॉर्म है इधर का, रेगुलर है। हाँ तुम्हारे लिए होगा रेगुलर। रेगुलर हाँ, तू सीनियर बेलबॉय है ना। आज तक फाइव स्टार को मैं सिर्फ गुजरते हुए बस से देखा, पहली बार फाइव स्टार में खड़े देखे बस को गुजरते हुए देखेगा। आई एम वेरी लकी, आई एम सो, आई एम फील जंपी। मारेगा क्या? लिसन, फॉरगेट योर इमोशन एंड एंजॉय योर प्रमोशन। अब चल चलना। व्हाट ए फिटिंग। ये फिटिंग वीटिंग क्या कर रहा है? ये थोड़ा लंबा नहीं है साहब? प्रकाश भी लंबा था। कौन प्रकाश? जिसका ये कोट है। तो हम प्रकाश का कोट पहनेंगे तो प्रकाश क्या पहनेगा? कफन। क्या? मर गया, भेजे में ट्यूमर था उसके। सुन, कहीं तेरे भेजे में भी कोई? नहीं नहीं नहीं, तेरा तो भेजा ही नहीं है। ये ले पेन और ऑर्डर स्लिप, और फटाफट काम पे लग जा, ये फिटिंग मीटिंग होती रहेगी। ये मरे हुए आदमी का कोट। बैंकर हॉल जो है ना, नहीं जी, मैनेजर। ए यू, कम है, कम है। तुझे बुलाया। निखिल, एक्स्ट्रा पैसे देने की क्या जरूरत है? आई गुड नाइट टू यू सर। व्हाट? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। शट अप। व्हाट सर? नॉट टू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक। हु आर यू? आई एम द बेल। बेल? आई एम द बेनी द बेल बॉय। तुम कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो, शुरू तो हो जाते हो, खत्म नहीं होते। Come on, go back to your place. Hurry up, come on. Tukaram, come here. Yes, sir. Tukaram, tum Nikhil ke paas jao. Okay, sir. Okay? Nikhil, listen to me now. Now, come on, don't look at my face. Move it, disperse. Come on, get back to work. Nikhil, meri baat sun. Listen. I am going, sir. Yeah. What are you doing, for God's sake? What the hell are you doing? Sorry, sir. Take this damn pressure away. I'll train him. Sorry, sir. Aur dekho kya hua exhibition ka. Come on.
Good evening, sir. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Benny, क्या कर रहा है? तोड़ेगा क्या? ये देख. ये? आ, आ, चल. चल. बैग निकाल के ला अभी. Bellboy. Yes, sir. अरे बेनी बेनी क्या कर रहा है? नीचे रख नीचे रख नीचे रख. क्या कर रहा है? रुक रुक, ये देख, ये हाँ, पकड़ पकड़ ये. हाँ चल. यस सर. वानन, गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू आवर होटल. नेरा शेज़ लो हैं प्यारा, शे शे. ओह या ऑफ कोर्स, दिस वे प्लीज. ये शीना मैडम, यहाँ की पीआरओ, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर. ये शीना मैडम को चाइनीज भी आता है क्या? वेरी गुड है. अरे इस होटल में जितने लोग काम करते ना, उनको चाइनीज, जापानीज, कोरियन सब आता है. हाँ? तू फिक्र मत कर, तू बहुत जल्दी सीख जाएगा. अरे मैं क्या, मेरा तो हिंदी भी ठीक से नहीं आता है, पोलिंग तेलिंग का सब लफड़ा है मेरा. अच्छा? चल तेरे को चाइनीज सिखाता हूँ. अच्छा आप इस तरह पैसेज में नहीं घूम सकते. दिस इज अ फाइव स्टार, यू नो. पता है मैं क्या करूं? मैं ये ट्रे रखना है और ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया. व्हाट आर यू डूइंग? गेट अ डुप्लीकेट, गेट ओपन दिस डोर. ऐसा को. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम. बेनी क्या कर रहा है? चल चल, शेर नहीं है दरवाजा है. चल ये हमारी हाउसकीपिंग हेड रिया. उसके पीछे कौन धरे? गेस्ट. कुछ कांड किया होगा. कम सा. सो ओवर हियर इज योर बाथरूम सर, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बालकनी आउटसाइड विद अ वेरी वंडरफुल. यू कड़वले. Sir, the housekeeping will come and give you fresh towels, sir, right now. Yes, sir. Good day, sir. Good day. Good day, sir. Thank you, sir. Thank you. Benny, good day, sir. Good day, sir. Good day, sir. Good day, sir. Good day. Good day. Good day, ma'am. क्यों? सीख गया ना तू चाइनीज? देख बॉस, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है. इधर ऐसे ही चलता है, सामने वाला अपने को कुछ भी बोले, अपने को सिर्फ स्माइल करने का. यहाँ पे सब लोग ऐसा ही करते हैं, भले सामने वाला अपनी लैंग्वेज में हमारी माँ को गाली दे रहा हो, लेकिन अपने को सिर्फ स्माइल करने का और बोलने का थैंक यू सर, गोली मार दो सर, थैंक यू सर. आई कांट बिलीव रॉनी, 100 रुपीस यार. आई लव दिस हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी. ये बबलू आज से ही अपने बार में काम करेगा. आइए, आपका इंतजार था. मैं तो तुझे बबलू चिकना बुलाऊंगी. नहीं नहीं, हमारा नाम बबलू चरण लाठी है. ओए बबलू है तू? जी. बड़े होके क्या बनेगा? बबलू. क्या रे कमीनी, तू मेरे हीरो को फोन पे पटा रही थी ना? ए शानी, वो खुद तेरे को भाव नहीं देता करके मेरे पे पोजीशन मत निकाल. चल रे साली, लेडीज बार की लूज कैरेक्टर. तू क्या किसी मंदिर का घंटा है क्या? तू कैरेक्टर ले. ये क्यों लड़ रहे थे? ये तो रोज का है, तू इस झंझट में मत पड़. हेलो देखो बहन जी, शांति रखो. क्या बोला तू? बहन जी,
क्यों, क्या हुआ? भोले बबलू, ये कुत्ती कमीनी हलकट यहाँ की आम भाषा है। बहन जी मत बोल, गाली लगती है। कुत्ती कमीनी हलकट, शांति रखो। जिया वो जिया कुछ टंग टंग टंग, अरे वो दिल का पर्दा खोल। कैसा रहा पहला आज का दिन तुम्हारा? सुपर्ब, फैंटास्टिक रहे। होटल थोड़ी है रे वो, जन्नत है। पहली बार गया ना तो हक्का बक्का हो गया था मैं तो। उधर का लड़का लड़की लोग तेरे को मालूम नहीं, वो फिल्म में दिखता ना वैसा दिखता सब लोग, कम नहीं है वो लोग। हाँ, और लेडीज वो टीवी सीरियल में दिखता ना, अलग अलग बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के, या चकाचक वैसा। और मेरा काम क्या रहे बबलू? लगेज उठाने का है। लगेज भी किधर उठाने का है? लोल नीचे लोल 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 रोलर, हाँ लगा रहता ना वो पकड़ने का, टिंग 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 जाने का, रूम में रखने का। फिर चाइनीज है, कोई भी है, इंडियन है, उसको बोलने का गुड डे सर, गुड डे मैम, उसके बाद ये टिप मिलता रे बबलू। पुलाव जल गया, उठा 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 उठा, ये सब उठा रहे, जल्दी उठा। यो जियो जियो कुछ बोल तो। अरे अरे, तेरा पहला दिन था ना रे? हाँ, कैसा था? ए चुप रे, सब बोला, बोल क्या हुआ? वहां सपने जैसी कोई बात नहीं, सिर्फ जिंदगी की हकीकत। ये लोग भी भगवान की आरती करते हैं बेनी, फर्क इतना है कि लोग सुबह सुबह और ये लोग शाम को। 9:30 बजे तक जब तक बार में गेस्ट आना शुरू करते हैं, तब लड़कियां मेकअप रूम से फ्लोर पर एंट्री मारती हैं। रिचा, इसको ढील मत दे। हाँ, देख नहीं रही शक्ल पे लिखा है मैं लुखा हूँ? ये पैसे उड़ाने वाली नहीं, सिर्फ पैसे दिखाने वाली पार्टी है। कोई दूसरा ढूंढ। मेरी फरमाइश? जा। फरमाइश? रोशनी, तेरे वाले ने फरमाइश भेजी है। जिया पे करार है, छाई बहार है। उस साले को बोल जाके कि नोटों की गड्डी निकाले, नहीं तो दूसरा तैयार है। नाम क्या है? सोनी। क्या? सोनी। सोनी नहीं कोई होनी। तेरा नंबर देना। तू अपना नंबर दे, मैं फोन करूंगी, पक्का करेगी। जब देखो ये सोनी रैपिड फायर राउंड खेलती रहती है, एक दिन ऐसा बजर बजेगा ना कि घर पे बैठ के सिर्फ सोनी टीवी देखा करेगी। कितने बजे फोन करोगी? सो के उठेगी ना 4 बजे, फिर करेगी। ये ले, ये आ गया कोला कड़का, चूजा कहीं का। चंपू साला, क्यों बे, 10-10 के नोट गुल्लक पड़ी थी आज क्या? नंबर दीजिए ना। क्यों हैरी पॉटर, तू मेरे बाप के दहेज में आया है क्या? नहीं, वो क्या है कि हम कहीं मिलेंगे, डिस्क्रिस जाएंगे और फिर साथ में नाचेंगे भी। मैं बच्चे के साथ नहीं नाचती। बच्चे के साथ? आप प्रेग्नेंट हो? इसकी माँ की आँख। चल दारू पी, चल। ए, सुन जी, नंबर दे। हमारे पास मोबाइल नहीं है साहब। अरे ढक्कन, तेरा नहीं, उस पर्पल वाली का नंबर दे। वो तो हमारे पास नंबर नहीं है। ठीक है,
सर मैं दूसरा लाता हूँ, सर मैं दूसरा लाता हूँ। अरे ये क्या हुआ? अरे अरे क्या बताऊँ, घबराहट में गिर गया, दूसरा ला के दे दो ना। क्या पागल है यार। ए झंडू इधर आ। वो खजूर क्या बोल रहा था? आपका नंबर मांग रहा था। दिया ना? नहीं नहीं, हमारे पास कहाँ है नंबर आपका, और हमारे पास होता तो भी हम नहीं देते। तू मेरा नंबर शाहरुख खान को देगा क्या? ये ले। अब बस मेरे छोटा रिचार्ज जी, नंबर लेके आया जी जी 500 हैश कर। आई 1 रुपीज का टिप। टिप अच्छा मिला ना? आई वेरी गुड रे बबलू, क्या बात है। अच्छा हर बुरे काम का फायदा पहले अच्छे होता है। बुरा ऐसा नहीं रे, मतलब मैं तेरा दोस्त है इसलिए बोल रहा है। अब तो क्या है, वेटर के रूप में सप्लायर बन गया। नहीं नहीं, मैंने तो कोई लड़की को सप्लाई नहीं किया। लड़की लड़की नहीं रे, वो क्या है, नंबर सप्लाई किया ना इसलिए बोला मैंने। वेरी गुड, 500 रुपीज का टिप, वेरी गुड। एक बात बता मेरे को, तेरा बार में कितना लड़की लोग है रे? 12-15 होंगी। इतना लोग है क्या? अरे तो रोज तू अगर 10-15 तू नंबर दे देगा ना, सप्लाई करेगा ना, तो 3-4 साल में तेरा वो एक डेयर बार खुद का खोल देगा तू। उसके बाद तेरे को है बोलो ना कैसे है ऐसा बोलेगा। हम तो ईमानदारी से ड्यूटी अपनी कर रहे थे बस। हाँ वो तो ठीक है रे, ईमानदारी के बाद सब ठीक है। द्रोगेंद्र पड़के ले नेवेंद्र पोर बतरा ले उन्हें आम उठपा। क्या वो तो सुन गया क्या? क्या बोले वो? ऐसी कैसे उसको हिंदी में बोलेगा वो, बेईमानी का बिस्तर पे ईमानदारी का चादर फैलाने से कुछ होता नहीं है, ऐसा रजनीकांत ने एक फिल्म में बोला तो मैंने भी बोल दिया ऐसी है। चलो गुड नाइट। हाँ वो 500 रुपीज वेरी गुड है टिप। शाहनवाज साहब, माना सूरत में रहते हो पर कभी हमें भी तो सूरत दिखाओ। हेलो हेलो। हाँ नहीं नहीं बोलो बोलो। अपने कस्टमर्स के साथ साथ इस लिफ्ट को भी खरीद लिया है क्या तूने? सारे बिल्डिंग का माहौल खराब कर दिया है। ए हेलो, अगर तूने लोखंड वाला में पैसे देके फ्लैट खरीदा है ना, तो मैंने भी लोखंड देके नहीं खरीदा है। एंड व्हाट आई डू इज माय पर्सनल प्रॉब्लम। ओके पर्सनल पब्लिक प्रॉपर्टी टॉकिंग अबाउट बीइंग पर्सनल। हेलो एक्सक्यूज मी रिया, बस करो जाने दो ना। और बेटा तुम भी बुरा मत मानना प्लीज। जा ना, तेरे को जल्दी है ना, जा जा। सॉरी बेटा। आंटी प्लीज। ये मेन साहब की गाड़ी है, इस गाड़ी के लिए पता नहीं कितने लोगों को सड़क पे ले आई होगी, और ये यहाँ की मैनेजिंग कमेटी। कोई कदम नहीं उठाएंगे, और उठाएंगे भी क्यों, क्योंकि मेंटेनेंस के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री शो भी दिखाती होगी। माँ इन लड़कियों को जवान हो या बुढ़ा क्या फर्क पड़ता है? जाने दो रिया, क्यों अपना मूड खराब करती हो, अच्छे मूड से ऑफिस चली जाओ। पहले लिफ्ट के लिए वेट किया, बस के लिए लेट हो रही है ना, लिफ्ट चाहिए बेबी। गेट लॉस्ट मंकी फेस। Hey Sheena, you're still at home? Look what I got here, City Club membership form. कमाल की स्कीम है, हर 3 महीने में 5 days और 4 nights का टूर पैकेज। और उससे कमाल की चीज है ये, उन्होंने अपनी सारी लोकेशंस को इस डीवीडी में डाल के रखा है। चलो हम देखते हैं, बुक करते हैं। कम आशु, एवरी अदर डे तुम कोई ना कोई हॉलीडे स्कीम लेकर आते हो, लेकिन होता क्या है, पिछली बार भी लेकर आए थे ना, खुद भी को इसकी EMI भरने के लिए ना हम डे एंड नाइट काम करते हैं। डे शिफ्ट में तुम काम करते हो तो नाइट शिफ्ट में मैं, एक आता है तो दूसरा जाने की तैयारी करने लगता है। अरे लिसन, लुक 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 स्वीटहार्ट, अरे इस तरह की ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए लाइफ में कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। किस लाइफ की बात कर रहे हो आशु, कहाँ है लाइफ? लाइफ साथ रहने से होती है, फैमिली शुरू करने से होती है। वी हैव नो फैमिली, वी हैव नो लाइफ। तो मैं दिखाई नहीं तेरा, तुम आए हो और मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे बट लिसन, अरे डीवीडी तो देखती जाओ। Shit. क्या
मैडम देख के चलाने को नहीं होता आपको? अरे क्या क्या सॉरी, मर जाता आदमी, एक्सीडेंट कर दिया ना आपने। आप ठीक तो है, ये तरीका है गाड़ी चलाने का क्या मैडम? अरे शेर एक्सीडेंट कर दिया ना आपने, अगर मैं मर गया होता तो क्या हुआ? अरे भाई साहब मर गया होता अभी इसकी गाड़ी के नीचे। आप कुछ हो गया नहीं ना? आप कौन है? आप कौन है? आपको क्या बताओ भाई? आई एम बेनी द बेल बॉय, हु आर यू? डैम माइंड इट, गो। ए हटो भाई, चलो हटो, चलो हटो। यू ओके मैम? या आई एम फाइन, थैंक यू। मैम आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो? बेनी द बेल बॉय मिराज होटल में। अच्छा नया अपॉइंट हुए हो? ड्यूटी भी जा रहा था ना, इधर ही रहता हूँ, ये बिल्डिंग है ना इसमें? नहीं नहीं, इसके पीछे वो एक स्ट्रेट जाके, स्ट्रेट में एक चौल है, उधर रहता हूँ। चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। थैंक यू मैडम। अरे पीछे नहीं, आगे बैठो। पीछे बैठोगे तो मैं तुम्हारी ड्राइवर लगूंगी। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? नहीं मैडम, वो मैं सोच रहा था सामने बैठने से भी मैं ड्राइवर ही लगता है। क्या है, लोगों को लगा है कि मेम साहब जो है वो ड्राइवर को बाजू में बिठा के खुद गाड़ी चला रहे हैं। क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसी है मैडम, आप तो आप है ना, या लाइक वो ट्विंकल ट्विंकल फाइव स्टार। मैडम आपको ये ऐसा दिल खोल के आज बचिए, आप थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल टाइप का लगता है।